यूपी में कभी भी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरह आरएलडी भी चुनावी चक्रव्यूह रचने में लगी है, साथ ही पार्टी के विस्तार पर भी काफी फोकस किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को पश्चिमी यूपी में तगड़ा झटका लगा है। वो ऐसे कि उनके पुराने साथी और बड़े सिपहसालार ने पार्टी को अलविदा कह दिया। हम जिस नेता की बात कर रहे हैं उनका नाम है मेराजुद्दीन अहमद, जो कि पूर्व मंत्री और आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव थे। उन्होंने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। मेराजुद्दीन ने इस्तीफे का पत्र पार्टी प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को भेजा है। इस्तीफा देते ही मेराजुद्दीन अहमद जयंत चौधरी पर हमलावर दिखे। उन्होंने मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बड़े बड़े आरोपों की बौछार कर डाली। पूर्व मंत्री ने जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने के फैसले को गलत करार दिया। उनका कहना है कि जयंत चौधरी कभी बोलना भी चाहते हैं तो बीजेपी टोक देती है। वो बीजेपी के खौफ में है क्योंकि बीजेपी लाइन खींचकर पॉलिटिक्स करती है और इसी वजह से चीजें आरएलडी में बिगड़ रही हैं, बदल भी रही हैं। किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े सभी जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने के फैसले से नाराज हैं। मेराजुद्दीन ने ये भी बताया कि पार्टी छोड़ने से पहले जयंत चौधरी से उनकी बात हुई थी। उन्हें बताया था कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी बात को अनसुना कर दिया गया। इसके अलावा पूर्व मंत्री ने बीजेपी से अलग होकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले को जयंत चौधरी का ड्रामा बताया। राजनीतिक जानकार तो मेराजुद्दीन के पार्टी छोड़ने को जयंत चौधरी के लिए झटका बता रहे हैं, लेकिन असल में जयंत चौधरी को उनके जाने से नुकसान होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।